महंगाई ने दम तोड़ के रख दिया हम लोगों की। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है, है? ये सब विकसित हुआ है। कांग्रेस ने जो बनाया पिछले 70 सालों से, मोदी सरकार ने उसको बेचा प्राइवेटाइजेशन करके। किसान परेशान साण से और साणे का फिर जिता दे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा आज यूपी के फतेहपुर में पहुंची है। फतेहपुर की बिंदकी सीट। फतेहपुर जिला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक लिहाज से। जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ के राजनीतिक समीकरण है, वो दोनों अपने आप में अनोखे हैं। फतेहपुर ज़िले के बाईं तरफ गंगा जी बहती हैं, यानी उत्तर दिशा में, और दाईं तरफ दक्षिण दिशा में यमुना जी बहती हैं। और ये एक ट्रिगर पॉइंट है फतेहपुर को। आप इस तरीके समझिए कि बाएँ यमुना जी के उस पार बुंदेलखंड शुरू हो जाता है और इसके इधर गंगा जी के इस तरफ जो है अवध का इलाका, तो ये एक बीच की जगह है और यहाँ हर तरह के लोग मिल जाते हैं और यहीं से जो है बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते हैं। और आप इस जगह की इम्पोर्टेंस इस बात से भी समझिए कि हर बार जब भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री की रैली यहाँ ज़रूर होती है। आज बिंदकी में असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे, उनकी पार्टी का गठबंधन है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और बिंदकी सीट मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी की सीट है, जो योगी सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ पे अभी क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किससे टक्कर है, ये आज जरा समझ लेते हैं। तो पहले आप ही बता दीजिए। हाँ भैया बताइए। पहले खड़े हो तुम। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। अनिल कुमार, तो जी अनिल जी बताइए, यहाँ पे सब भाजपा से, भाजपा को टिकट तो भाजपा ने अपना गठबंधन को टिकट दिया है। अपना दल के टिकट पर जयप्रताप सिंह जैकी हैं, सपा के टिकट पर जो है रामेश्वर दयालु हैं, भाजपा का भी अपना प्रत्याशी है और सुशील सिंह भाजपा से, सुशील दोषी सुशील और बसपा और कांग्रेस से अभिमन्यू सिंह। अभिमन्यू सिंह। तो किसका माहौल समझ में आ रहा है? त्रिकोणीय संघर्ष है। अच्छा, संघर्ष यहाँ पर किसके किसके बीच है? हाथी जैकी और दयालु, सपा भाजपा बसपा, सपा भाजपा बसपा। तो 20 कौन? अब जब तो इतना वो नहीं कि कौन 20 है कौन 21 है, वो तो आदमी अपने मुद्दे पे उड़ देगा चुनावी। रोजगार मिले, हाँ। काफी बेरोजगारी कम हो, पब्लिक चाहती है। क्या क्या मुद्दा क्या है आपको चाहिए? क्या मान ली कोई विधायक बन जाए, आपको क्या चाहिए? गुप्ता जी को क्या चाहिए? रोजगार है? बच्चों को रोजगार, जो मारे मारे घूम रहे, और क्या है उनका शिक्षा रोजगार? और अरे शिक्षा बढ़िया मिल जाए, रोजगार बढ़िया मिल जाए, यही युवाओं को चाहिए। वो आज तक मिला नहीं हुआ है कि रोजगार रोजगार मिला है 4 लाख नहीं। वो तो ठीक है, हर आदमी अपना अपना पोस्टर छापता है, सब कुछ करता है, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, कांग्रेस का हो। भाई देखो, चुनाव का माहौल है, देखा जाएगा। समस्या आपकी और क्या क्या? और कुछ नहीं, हाँ। जितने पढ़े लिखे बच्चे नौजवान सब बेरोजगार, बेरोजगार कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि लगता क्या है, कौन रोजगार देगा? अब भाई सरकारें आ रही जा रही, कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, ये तो आगे आने वाला समय बताया। अब ये बंद होटल है, क्या मालूम कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सरकार बन जाएगी तो हमको रोजगार दे? अभी तक तो मिला नहीं, आगे देखो शायद भविष्य में दे। कौन? योगी जी? और क्या है, योगी जी देंगे रोजगार? नहीं, जब बोल रहे हैं तो देंगे। अच्छा, बोल तो अखिलेश भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम जो आएंगे वो तो वैसे आ रहा है, वो बोल के रहा है, लेकिन उनका ये नोट कहाँ है? अच्छी मान लो वैसी जी आ रहा है, हाँ। तो वो तो बता रहे हैं कि हमारी जीती तो हम ये कर दे। भाई जो भी पार्टी का माहौल है, हर पार्टी अपनी अपनी बात रख रही, हाँ। जनता किसकी तरफ जाती है, क्या होता है, हाँ। वो तो चलते हो, मतलब आपको सब नेताओं भरोसा नहीं हो पा रहा? भैया भरोसा 5 साल से 10 साल से कर ही तो रहे, कहाँ कुछ अभी तक कोई पा रहा है। सब यही तान चाहिए हो, चाहे उधर हो, सब लफड़े लफड़ा है। आप बताओ चाचा। हम तो पढ़े लिखे नहीं, इनको नहीं। अरे तो पढ़े लिखे क्या? हमको नहीं बता सकते। अरे पढ़े लिखा आदमी ज्यादा जानता है, है? आप गांव देहात रह रहे हैं, हमारे आसान भाषा है ये ना कुछ। अरे बताओ ना। बोलो बोलो बोलो। अरे आप बोलो फिर। हम तो जा रहे हैं, जो हमारी भाजपा सरकार आई है, योगी जी बहुत अच्छे और योग्य इंसान है। सरकार में इसमें बहुत फायदा मिले जनता को,
और कुछ नुकसान मिला गरीब जनता को। अच्छा। गरीब जनता को जनता को तो ये मिला, कॉलोनियाँ मिली, टट्टी मिली, 10,000 का लोन मिला, वो पैसा वो मिला, हाँ सब चीज़ें मिली उसमें सरकार में, इस सरकार में जो आज तक कोई सरकार नहीं दिया, 2 साल अनाज दिया और कॉलोनियाँ दिया, टट्टी दिया, लोन दिया, किसानों को पैसा दिया, सब कुछ दिया। हाँ, लेकिन कैंडिडेट जो है उससे थोड़ा ये सीट को हम नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा सरकार अच्छी है। तो मंत्री हैं जैकी? अरे जैकी मंत्री हैं, लेकिन जैसे सपा कांग्रेस का है उसको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उसका बहुमत नहीं है कोई, वो नहीं ज़्यादा यहाँ क्रेज नहीं है। तो किसका क्रेज है? क्रेज मायावती का हो सकता है, भाजपा का हो सकता है। अच्छा, हाँ टक्कर किसमें? जो जो भाजपा और ये मायावती में, भाजपा मायावती और बसपा में, तीसरा इसमें कांग्रेस में। और सपा? सपा को तो आवाज उठाई जा रही क्योंकि गुप्ता हैं, शायद उठ जाए इनकी वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। हाँ, अब आप फायदा कह रहे थे, फायदा ये हुआ, नुकसान क्या हुआ बता रहे हैं? नुकसान यही हुआ कि गरीबों का पन्नी में इसमें इसमें थोड़ा परेशानी दिक्कतें गई, जो मोदी बाबू खुद कह रहे हैं कि गरीबों को भी कुछ झेलना पड़ रहा है, मुसीबतें आई हैं, जैसे पन्नी है, हेलमेट है, ये है, वो है, लेन देन ज़्यादा चलने लगा। पन्नी क्या है? ये पन्नी पॉलिसिन वगैरह, दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशानियाँ आई हैं, दुकानें टूट गई, मकान टूट गए, इसमें थोड़ा सा परेशानी आई है। पन्नी वाला मसला समझे, पन्नी क्या है? पन्नी पॉलिसिन जो सौदा देते हैं लोग, ठेले वाले, चाय वाले, ये वाले, उसमें नुकसान हुआ है थोड़ा सा, बंद हो गया वो। हाँ बंद हो गया, उससे नुकसान हुआ, उससे नुकसान हुआ गरीब जनता को। अच्छा, और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं, और तो सब भले भला है, उसमें सब मिल रहा है। क्या करते हैं आप? हम चाय की दुकान खोले हुए हैं। अच्छा, ये मेरी चाय की दुकान है कोतवाली के बगल में। अच्छा, हाँ 45 साल से चाय बेच रहा हूँ मैं। तो आप, लेकिन तो बढ़िया अड्डे बात सब बैठते होंगे। हाँ, दिन भर बातचीत होती है। बात कर रहा हूँ मैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो ये देख कर रही है विकास, वो कोई सरकार ने नहीं किया है। कैसे? अरे रेलवे डबल होना, रोड डबल होना, कॉलोनी मिलना, हमें पैसा मिलना, अनाज फ्री मिलना, ये सब मिल ही तो रहा है, कोई सरकारों ने नहीं दिया है, सिर्फ आशा दिया है। कोई लाभ नहीं हमारा, तो खैर परमिट भी कैंसिल है, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा परमिट भी कैंसिल है, लेकिन नहीं जो कर रहा है आगे के लिए, हमको देश को देखना है, इनको थोड़ा देखना है, देश को देखना है। हाँ, विधानसभा नहीं? अरे वही विधानसभा ही तो देश में, अब भाई जो हमारे प्रदेश का राजा बैठेगा हम उसी को मानेंगे। तो हमारे योगी बाबू हैं तो हम उनको मान रहे हैं कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा उनका कार्यकाल चल रहा है, बढ़िया। अच्छा, यही है और क्या है। और आपको 5 साल में क्या क्या मिला है? हमें तो कोई सरकारी लाभ नहीं मिला साहब, हमें सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला, लेकिन विकास, हाँ विकास देख रहे हैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। अरे विकास बहुत कुछ है, आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप कहाँ तक है। अरे जीटी रोड में जाएं, रेलवे में जाएं, लोगों का विकास है, विकास बहुत हुआ, जानवर घूम रहे हैं। आपका नाम क्या है? मुबीनुद्दीन। हाँ बताइए। आज साल घूम रहे हैं, कहीं किसी को उठा के फेंक देते हैं साल, किसी के हाथ टूट जाता है, किसी की महंगाई ने दम तोड़ के रख दिया हम लोगों की, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है, है? ये सब विकासी तो हुआ है, ये विकासी तो हुआ है। अरे इधर ज़्यादा इधर है, ये विकास इधर हम देख रहे हैं, 112 हुआ था। अरे भैया इन्हीं से पूछ लो आप इनका सुन ले, इनका सुन ले, फिर आपके सुनेंगे। इनसे नहीं नहीं, आप बताइए बताइए। अरे नाराज इनसे बात करें? नहीं, हम ये जानते हैं कि विकास बहुत हुआ है, साल घूम रहे हैं, छुट्टा आदमी को रात में निकलने में डर लगता है, फेंक देते हैं साल उठा उठा के, समझे, महंगाई ने दम तोड़ दिया है, समझे। और जिनको गल्ला मिल रहा है, 5 किलो गल्ला मिल रहा है, तो क्या मोदी अपने पास से दे रहा है? हम ही लोगों का खून चूस के महंगाई नोच के दे रहा है हम लोगों का, भाई महंगाई बढ़ाई है, इधर ले रहा है इधर दे रहा है, और किसको दे रहा है इस? अरे भैया तो किसको दे रहा है? देखो कांग्रेस, कांग्रेस ने जो बनाया बीजेपी ने उसको बेचा है, सिर्फ कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया है। आपका नाम पहले? मेरा नाम अंकित सुनकर है।
कांग्रेस ने जो बनाया पिछले 70 सालों से, मोदी सरकार ने उसको बेचा प्राइवेटाइजेशन करके। ऐसे भेल सेल जो नॉर्थन कंपनियां रेलवे हो गई, वह वैकेंसी ख़त्म कर रहे हैं डे बाई डे। अभी इतने देर बाद रिजल्ट आया। यदि युवा मुद्दा उठाता, सबसे बड़ा रोजगारी मुद्दा है, तो उसको लाठीचार्ज से दमनकारी नीति अपना कर लाठी के दम पर दबा देते हैं। युवा की आवाज़ दबाते हैं सिर्फ लाठी के दम पे। इनका कहीं भी चुनाव हुआ तो पूरे अन्य प्रदेशों के मंत्री विधायक लेके चले आए। कोरोना इनका सिर्फ बहाना है, चुनाव कोरोना कराना है। इन्होंने पिछले चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत में कोरोना होने के बावजूद भी चुनाव संपन्न कराया, जिससे कि हमारे पीठासीन अधिकारी सिपाट सुमरे थे, पीठासीन अधिकारी। इनका मुद्दा है सिर्फ अपना झूठा एजेंडा फैलाना। कैसे झूठा एजेंडा? ये कि हम 15 लाख देंगे, ये देंगे गरीबों को। 15 लाख कहाँ बोला था? जुमला मोदी जी ने बोला नहीं है क्या? बोला था। कहाँ बोला था? बोला 15 लाख हर एक व्यक्ति को आएगी, खाते में आएगा 15 लाख बोला है मोदी ने। मोदी जी ने बोला है, जिसको अमित शाह ने खंडन किया था, जिसको अमित शाह ने खंडन किया था और ये कहा था ये जुमलेबाजी है, ये चुनाव में चलता है, चुनाव में चलता। उन्होंने ये कहा कि हमने फेंका, इसको पकड़ो आप। ये दूसरी बात, योगी सरकार है, सिर्फ आशीष उसके किसानों पे गाड़ी चलाई, आशीष टैनी के बेटे ने, ठीक है, उसकी जमानत हो गई, बल्कि अभी हमारे किसानों की जमानत नहीं हुई। कितना बड़ा ये कांड है। हाथरस में हमारे जो लॉ एंड आर्डर हैं प्रशांत कुमार जी डीजी, उन्होंने कहा कि नहीं उसका रेप नहीं हुआ। बाद में एसआईटी ने उसको भी सिद्ध किया कि नहीं रेप हुआ है, पत्रकारों को नहीं जाने दिया अंदर। क्या था ये सब? सरकार नाराज लग रहे हो यार सरकार से? नाराजगी का काम ही सरकार ने इतना किया है, नाराजगी की सिर्फ साड़ों का बढ़ावा। साड़ बढ़ गए, साड़ बढ़ विकास के काम में सिर्फ गाँवों का विकास हुआ है। जितने इनके जो बनवाए हुए हैं ये गौशाला, उतने जानवर गौशाले मरे जितने बाहर नहीं मरे। अभी आप किसी भी गौशाले का निरीक्षण कर लीजिए, गाय बिना चारे के मर रही, इतनी बदतर उनकी दशा है गौशालों के अंदर। बजट पास होता है गौशाले, इनके व्यक्तियों को गौशाला पर अलाट होता है, उसमें भूसा नहीं है, जानवर मर रहे हैं, बदतर स्थिति है वहाँ। तो ये बताओ कि उम्मीद किससे, कौन ठीक करेगा? सपा से उम्मीद है, जो विकास करते आए हैं और विकास करेंगे। सपा से नेता नहीं हो सपा के? सही बता, नेता नहीं। यार फ्लॉलेस बोल गए तुम, जो है कार्यकर्ता हो? नहीं कार्यकर्ता नहीं हूँ। क्या करते हो? मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। यार नाराज मत हो, इधर आओ, बहुत देर से यार गमछा उमछा बांध एकदम खड़े हो, बढ़िया। हम देखो भैया सपा से नहीं, मेरा नाम महेश है, मैं सिलावन से बिलोंग करता हूँ। सिलावन गांव है मेरा। अच्छा, ये बिंदकी में? हाँ हाँ। क्या काम करते हैं? अलग पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यही विधानसभा लगती हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, किसानी तो, करते हैं हम, किसानी करते हाँ। तो बताइए कैसा रहा जो आपके यहाँ के मुद्दे क्या है? हमारे यहाँ के कोई मुद्दे नहीं, मुद्दे यही है जो विकास हो रहा है, विकास अच्छा लगा हमको। और इन 5 सालों में मेरे गाँव में इतने आवास मिले, इतने शौचालय मिले, इतने गैस सिलेंडर मिले हैं हर आदमी को, और सब इस लाभ से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस बार भी वो बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं। और ये जो कह रहे हैं वो सिलेंडर मिला, समझ में नहीं, सिलेंडर मिला उसकी सब्सिडी नहीं दी जा रही मोदी सरकार को। मोदी कह रहा था जुमला है, कह रहे थे कि विदेशों में जो इतना काला धन जमा है हमारे देश का, अगर वो पैसा आ जाए तो प्रति आदमी को 15-15 लाख दिया जा सकता है। आया स्टेटमेंट कहाँ से आया? नहीं आया। क्यों? तो 5 साल में आ जाएगा। एक गार्जियन अपने घर को नहीं चला सकता और पूरे देश को चलाने के लिए इतना टाइम लगेगा। बताओ, मोदी जी को शासन चलाते हुए 10 साल हो गया, 10वां साल ही, मतलब ये चुनाव तो मिल जाएंगी। बताओ, 60 साल से कांग्रेस चला रही है सरकार। अब कांग्रेस जब सरकार चला रही थी तब पेट्रोल क्या नहीं बनाया? एक मिनट बोलो, अभी तुमने बोला, अब इन भाई सुन लेने दो। पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मतलब तो कुछ समस्या है कुछ, जैसे मान लो कोई विधायक बन गया, नहीं तो कोई विधायक बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब साण को कह रहे हैं, साण को हमसे ज्यादा किसको समझ, लेकिन हमको समस्या नहीं है। क्यों? हमारे फसल है, हमारे खेत में आते हैं, लेकिन हमको कोई दिक्कत? तुम्हारे खेत में, हमसे बात। अरे नहीं भैया, गांव में रहते हैं, खेती नहीं करेंगे, खेती नहीं, इसमें नाराजगी वाली बात नहीं। नहीं, ये कैसे कह दिया खेतवा नहीं होंगे यार? एक सेकेंड। अरे छोड़ा किसान ने यार, हमसे बात करो भाई। मैं यार तुम
तुम लोग तो यही रहते हो, हम दिल्ली से आए, हमसे बात करो ना। हमसे बात, किसान परेशान सांड से और सांडे का फिर जिता दे किसान। कौन सा अरे यार लड़े ना भाई, और बोल लो। अरे एक सेकंड, अरे भैया सुनो, अरे एक सेकंड, अरे इधर बात, इधर भाई एक सेकंड, लड़ो मत यार। अरे यार अच्छा लड़ो, लड़ो मत भाई, अपनी अपनी बात रखो। अरे यार हम भैया इस सरकार से बहुत ज्यादा खुश हैं और आगे भी भाई भाजपा सरकार को आगे भी लाना चाहते हैं। और हम मगल फिर वहाँ पे, अरे एक सेकंड यार, वो सांड को क्या, कौन सांड को जिताएंगे हम? कौन है सांड भाई? सब लोग कहते सांड को छोड़ दिया, सांड को छोड़ दिया। अब सांड को छोड़ दिया, जिता दिया तो सांड छोड़वा दिया, अब हम फिर सांड को जिताएंगे। सांड है कौन? सांड को छोड़ने वाले योगी बाबा। सबको सड़वा सड़वा गांव में कहा था कि सड़वा का जिता दो, सड़वा किया था तो सड़वा हमारे योगी ही बाबा है, समझो। तो हम लोग फिर वही का वोट देने वाले हैं, वही का। तो उसे खेती होती जो नुकसान हो रहा है, वही नुकसान नहीं है। अब बिंद किम पता नहीं कौन सा नुकसान, यहाँ कौन सी फसल बोई जा रही, हमका यह नहीं समझ में आ रहा है। अब इन फल खाए आ जाए, अगर जानवर आ जाए फल खाए तो ले लाठी खड़े हो, का खा जी तुम्हारे खेती हमारा चरी जा रही, हमारे नुकसान है, नुकसान है। बिंद किम का कपड़ा खाए आ जाते का दुकान में, बताओ। फिर एकदम से मतलब इधर आप इधर आओ, आप क्या कह रहे हैं? योगी सरकार ने खुद कहा कि जितने भी जानवर, चेयरमैन को भी आदेश दिया, गांव ग्राम सभा के प्रधानों को भी आदेश दे दिया और टाइट करके बोला। अब योगी जी तो यहाँ नहीं है कि जितने भी गांव में जानवर अन्ना पस घूम रहे हैं उनको पकड़वा करके गौशाला में बंद करवाया जाए, लेकिन जब प्रधान नहीं टाइट होगा, चेयरमैन नहीं टाइट होगा, तो क्या मोदी योगी यहाँ के पकड़ा के बैठा भरेंगे क्या जाके, बताओ। प्राथमिक पाठशाल में आवारा जानवर बंद करते हैं, आए दिन पेपर की कटिंग देखी है आप, किसान ही बंद करते हैं ना, किसान ही बंद करते हैं ना जानवर, किसान ही बंद करते हैं, बिनकी वाले थोड़ा बंद करते हैं। रोक जाए, कुछ क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी क्या करते हैं आप? इधर मदर लैंड के बस चलाते हैं 25 साल, मदर लैंड स्कूल के बच्चा छोड़ते हैं। अच्छा बच्चों वाले? हाँ ठीक। अभी आए रास्ते में मानिकपुर वाले, कहने लगे बताओ तिवारी जी क्या करें मैं, किसको हम कहा बंद करो गौशाला में, कहा घेरते हैं रात दिन तो मिलते नहीं, पकड़ते हमारो काटा लगे हैं, बताओ इसमें दिक्कत है सरकार को क्या है? हम हैं भाजपा के आदमी, ऐसी बात नहीं है, हम भाजपा कोट देंगे, चुनाव जाएंगे, कल आरटीओ पकड़ लिया था, कल जाते हैं कानपुर, अभी कल जाएंगे हम। भाजपा वोट फिक्स है ना? अरे फिक्स है, कहा बसे फिक्स है, हमारी ना उठाई। अरे यार इसे डरवा कह रहे हैं हमको जो है, हम एकदम डांट वोट दे रहे हैं, वोट दीजिए ना। अब हमको ये बताइए, ठीक है कि आपके जो क्षेत्र में ये जैकी जो मंत्री हैं, देखो एक बात बताएं। अरे बात हमारा, सवाल सुन लो, सवाल सुन लो, सवाल सुन लो पहले। तो एक सेकंड, तुम लोग तो ये मंत्री जी अपनी सीट बदल गए यहाँ, इससे पहले जहानाबाद वाली सीट पे थे, अब भिंदकी आए हैं, अब भिंदकी वाले विधायक का टिकट यहाँ से कट गया। एक बात बताएं, जब रुपया ज़्यादा पैदा हो जाता है जेबल में तो भरा नहीं है समाता आदमी के, तो फिर दूसरी जगह भेज दिए जाते हुआ, समझो, शांत रहो, तो दयालु के चांस बन रहे दयालु, दयालु 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 यार वोट दे, कह रहे वोट देंगे बीजेपी को, हम हमारे 3 बहुरिया हैं, नहीं नहीं वोट दे रहे बीजेपी को, कह रहे सपा का चांस है यहाँ पे, नहीं चांस नहीं है, है? अभी धीरज कान बोले दयालु, अरे चांस बोलेगा अभी वो कभी जो दयालु, दयालु यहाँ से सिर्फ खाली दयालु सपा जीतेगी। पिछली पिछली बार जो यहाँ से है सपा खाली मोदी की पीछे है, पीछे एक सेकंड यार, एक योगी जीतेंगे, सपा सपा पूरी तरीके से। हम एक आप आपकी बात हो गई ना, आपसे बात बढ़िया सुन ली। अच्छा एक बताओ, पिछली बार जो दयालु हैं सपा से लड़े 56,000 वोट से हारे, 56,300 कुछ वोटों से, दूसरी सबसे बड़ी हार उनकी इस जिले में थी। अब की बार ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? वो जीतेंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आए हुए हैं वो सही नहीं है, वो तो मंत्री हैं। अरे मंत्री हैं तो क्या हुआ, नहीं है मंत्री, अगर इतने अच्छे होते तो जहानाबाद छोड़ के जाना आ जाते। अच्छा हमारे राजेंद्र पटेल को वहाँ क्यों भेजते? क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार।
अनिल कुमार, क्या करते हैं आप? जी कुछ नहीं करते, बस प्राइवेट जॉब करते हैं। कुछ नहीं करते, प्राइवेट जॉब करते हैं। अरे तो उसको कुछ करना ही तो हुआ, करना होता है। तो आपके ये विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, असल मुद्दे क्या? देखिए मुद्दे के मतलब है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो वर्चस्व चल रहा था राजेंद्र पटेल का चल रहा था, उसके जैसा नेता जब भी वो बना है, मंत्री बना है, उसने पूरा विकास कराया। बसपा वाले वो भाजपा में आ गए थे, उनको मंत्री पद दिया गया था, लेकिन उनको मंत्री पद दिया था उसका उन्होंने उपयोग किया और जनता के बीच बहुत विकास किया। अच्छा, यहाँ से जो पूरा समीकरण जा रहा था पूरा सेम उन्हीं के पक्ष में जा रहा था। अब वो अगर नहीं आए हैं तो वहाँ पे हमारा बिनकी का ही नेता एक वो दूसरा है, और सब की वही है कि नहीं दयालु को ही बनना चाहिए। अच्छा जी, आप बताओ भैया, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम लोकल के आदमी हैं। पीयूष। पीयूष जी, क्या करते हो पीयूष जी? कुछ नहीं, मैं डीलेट का छात्र हूँ। कुछ नहीं और डीलेट के छात्र? डीलेट का जी छात्र हूँ। तो कुछ तो है ना? जी जी जी। तो ऐसा क्या कह रहे हो कुछ नहीं? नहीं, इसलिए कह रहे हैं कुछ नहीं क्योंकि आप पूछ रहे हैं क्या करते हैं, हमने कहा कुछ नहीं, केवल छात्र हैं। तो भर्ती तो आने वाली है ना? भर्ती कहाँ आ रही बताइए आप? टीटी दिए नहीं दिए? टीटी अभी कहाँ, अभी तो चल रहा है हमारा, अभी चल रहा है जी। अगली बार आए दो? हाँ अगली बार। ऐसा तो लग रहा है वैकेंसी आएगी। हमें नहीं लग रहा कि आएगी। बताओ, अभी कह रहे थे कि 69,000 में जो बची हुई है उनको भी इसी तरह भरेंगे, अभी उन्होंने भरा नहीं है। आगे कह रहे थे कि अभी निकालेंगे, वैकेंसी आई नहीं है, केवल इनका जियो कागज पे दिख रहा है वैकेंसियों का, कोई अभी वही नहीं हो रहा कि नहीं आई, वो लोग वैकेंसी निकालते हैं। अभी लेखपाल वाली की इन्होंने भी ज्ञापन निकाला, फार्म भी पड़े हुए हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आप हमें बता दें कोई भर्ती अगर आज तक अभी 5 साल में पूर्ण हुई हो कोई बता दें। 69,000 में अगर 69,000 अगर पूरे अगर कर लिए होंगे तो वो बता दें। 68,500 की वैकेंसी थी पिछली, उसमें अगर कर लिए हो तो बता दें। ये कुछ नहीं है, हम केवल ये जानते हैं हम अपने लोकल का दयालु गुप्ता को जिताना चाहते हैं और हम किसी को नहीं जिताना चाहते हैं। उस बार भी वोट दिए थे, इस बार भी वोट देंगे, दयालु गुप्ता के साथ हैं। अच्छा, कुछ हाँ। और लोग हैं उनसे पूछें भैया, बताओ भैया। ओनली फॉर दयालु। अरे सवाल तो पूछ, सुनबे नहीं कर रहे हैं। नाम बताओ पहले, क्या है? महमूद आलम। अच्छा, तो आलम जी क्या करते हैं? लोहे का कारखाना है अपना, व्यापार है। मोटे आसामी है? नहीं नहीं, पतले आसामी। अरे नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, लग रहा है कुर्ता उर्ता एकदम नेता है? नहीं नहीं, नेता नहीं, व्यापार खाली अपने दान देते हैं। नहीं नेता तो नहीं है, नेता नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुखो जी, तो क्या मुद्दे हैं? आप जीते हारे जो बात की, ये यहाँ आपके जो है, मैं इसे सड़क से आ रहा था तो इसे कुछ बहुत डेवलप इलाका नहीं दिखा। फतेहपुर के साथ जो है बहुत बड़े बड़े नेता जुड़े रहे, यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार, उनके बेटे चुनाव लड़ते रहे और जीते, बीपी सिंह यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने, और कई सारे नेता यहाँ पे। अब अभी आपके पास दो दो मंत्री आपके ज़िले से, लेकिन फतेहपुर के बारे में लोग कहते हैं कि यार जो है ना, ये दो दांतों जबड़े के बीच जीभ की तरह फंसी हुई है। इधर आपके कानपुर है और इधर आपके प्रयागराज इलाहाबाद है, एजुकेशनल हब वो हो जा रहा है और इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल इधर हो गया। तो लोग कहते हैं फतेहपुर का आदमी भाग भाग के कुछ भी होता है तो उसको यहीं यहीं जाना पड़ता है। तो हमको उसको समझाइए कि ऐसा क्या है यहाँ पे कि इतना इम्पोर्टेंट जगह होने के बावजूद इसका विकास अब तक क्यों उस तरीके से नहीं हो पाया? अब अपने विधायक नहीं सही रहे। अब जैसे कि बाईपास है, बसपा सरकार के टाइम पर शुरू हुआ था, आज तक नहीं चालू हो पाया, और इतने बड़े बड़े मंत्री और विधायक रहे और नहीं करा पा रहे हैं, सारा दिन जाम लगा रहता है। तुम इधर आओ, काहे बहु मुस्कुरा रहे हो? इधर आओ, बहु मुस्कुरा रहे हो यार, इधर आओ, इधर तुम ही कह रहे हैं यार। हाँ यार, एकदम बड़े गमछा उमछा लगाए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? शुभम गुप्ता। हैं? शुभम गुप्ता। तो क्या करती हो? कुछ नहीं, स्टडी करते हैं। यार ये गजब जगह आ गए हम जो है, हर आदमी जिससे पूछ रहे हो कह रहा है कुछ नहीं करते, अब फिर बता रहे हो कि स्टडी करते हैं। स्टडी करना भी तो कुछ करना हुआ ना, बताए। तो क्या लगता है, क्या कैसा होना चाहिए विधायक आपका? लोकल का विधायक होना चाहिए बस। लोकल का कौन है? लोकल का विधायक दयालु गुप्ता। यार राम नाम ही ओढ़े एकदम से, लग रहा था कि भाजपा वाले हो लेकिन सपा के निकल गए। जरूरी थोड़ी ना है कि राम नाम ही ओढ़े तो भाजपा ही वाले हो। मसाला खाए? मसाला खाते हो? कौन सा मसाला खाते हो? कुछ भी। कुछ भी यार, कुछ भी यहाँ बहुत चलता है। क्या है ये कुछ भी है? क्या बिंदकी है? बिंदकी है, नाम ही काफी है। बिंदकी जो जगह है उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि सोहनलाल द्विवेदी एक बहुत कवि, बढ़िया कवि थे और उनको राष्ट्रकवि तक का दर्जा दिया गया। उनकी एक बहुत मशहूर सी लाइन है जिसको अक्सर लोग बोलते हैं लेकिन
वो कभी हरिवंश राय बच्चन को कोट करते हैं, कभी किसी को वो कोट करते हैं, लेकिन वो लाइन है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो किसकी कोशिश बढ़िया चल रही है? सपा की। हाँ, बढ़िया चल रही है सपा की। पावा लोग बीच फंस गया क्या? मैं आप बताओ क्या भैया हम बोलेंगे यार, बोलेंगे। क्या नाम है? आनंद कुमार पांडे। पांडे जी क्या करते हैं? तो बेरोजगार, और सरकार ने बेरोजगार कर दिया। हम मलेरिया विभाग में सुपरवाइजर थे। अच्छा। और हम लोगों को 2014 में बाहर कर दिया गया। हाँ। बजट नहीं दिया गया। जब तक कांग्रेस सरकार केंद्र में रही तब तक बजट देती रही, और जब केंद्र में मोदी जी भैया बैठे तो बजट बंद कर दिया। और जबकि जिस पद पर मैं था 32 वर्षों में, उस पद पर उत्तर प्रदेश सरकार में भर्ती नहीं हुई, संविदा में हमारी नियुक्ति हुई। और ये था कि 3 साल बाद इनको नियमित कर दिया जाएगा। तो 3 साल तो हमको पैसा मिला 14 तक, और 3 साल के बाद बजट बंद कर दिया। हमारी नौकरी 3500 लोगों की उत्तर प्रदेश में चली गई। फिर हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से हम लोगों को स्टे मिला, तो स्टे को भी सरकार ने नहीं माना। और स्टे को सरकार ने नहीं माना, हम लोग सिंगल बेंच से जीते हाई कोर्ट से, उसको भी नहीं माना। फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को सरकार ने नहीं माना। और अभी अभी सरकार 28 जनवरी को सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो जो प्रमुख सचिव होता है वो सब मुख्यमंत्री का दूत होता है, जितने भी विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं। तो बिना मुख्यमंत्री की इजाज़त कुछ भी नहीं करते। तो बताओ, 3 आदेश हम लोग जीतने के बाद, मलेरिया कोरोना काल चल रहा था, इसके बाद हम लोग हटा दिया गया। महत्वपूर्ण पदों में थे, जनता की सेवा करते थे, और एक एक लड़का 50,000 आबादी में काम करता था। तो बताओ हम कैसे इस सरकार को अच्छा कहें, बताइए आप सर। तो आप विकास के नाम में लोग कहते हैं, बताइए मेन है NH है, ये NH है। अच्छा। और NH का अब देख लो, गड्ढे यहाँ से बांदा तक है, कहाँ विकास हुआ आप बताओ। आप ये तो कह रहे हैं कि इस गड्ढा मुक्त सड़क बन गई है, और तो सड़क आप देखिए, आप देखिए। और मैं आपके सामने वक्त कमा रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, 40 साल का हूँ, बच्चे हैं, बताओ कहाँ के। ये तो आपकी व्यक्तिगत, आपका मामला चल रहा है कोर्ट में, और नहीं है 3500 लोगों का मसला है, लोगों का है, कोर्ट में चल रहा है, और पब्लिक का भी है। अगर हम लोग नहीं होंगे तो पब्लिक की सेवा कौन करेगा? मलेरिया कौन स्लाइड बनाएगा? कौन बुखार की दवा देगा गाँव में जाके? गरीब जनता है, उसके लिए हम लोग तो क्या चाहिए यहाँ? हम लोगों को नौकरी चाहिए। सरकार ने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी, बताओ आप, हाई कोर्ट के 2 आदेश नहीं माना। बाकी मुद्दे क्या है? बाकी मुद्दे क्या? रोजगार हो, रोजी रोजगार हो, सबका काम चले, सब खुशी रहा है जनता, तो वहाँ राज्य अच्छा है। उसी का राज्य अच्छा जिस राज्य में जनता सुख रहे। तो किसका राज अच्छा है? जो राज अच्छा करे वही का राज। अब हम लोग तो 14 से भैया भूखे हैं, तो हम लोग तो दौड़ ही रहे हैं कि हमको रोजी रोटी मिल जाए, और नहीं मिल पा रही। 14 से आपकी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से सबके लगे गए, पूरे 19 में फिर जीती, अभी केंद्र में राज्य मंत्री। सुन लीजिए आप पत्रकार बंधु, पूरे जिला अध्यक्षन के लेटर पैड लगा के भेजा, स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड लिखा, कुछ ही ने हमारी नहीं सुनी। बताओ हम लोग क्या करें? अब विक्रम सिंह जी विधायक हैं, इनकी भी लिखा के भेजा, कहू नहीं सुने सा। तो बताओ हम कैसा अच्छा कही, कहाँ जाइए, कैसे रोई, बताओ आप। नहीं तो अच्छा है कौन अब? अच्छा अब 4 दिन बचा है, वोट पड़ेगा 23 को। तो अब आखिर में जब होगा तो एक दिमाग में आ जाएगा ना कि भाई हाँ ये आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो भैया जो जिसकी समस्या से, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिसके पास जो समस्या उसी हिसाब से वो वोटिंग करेगा, और चिल्लाए यहाँ कुछ करेगा वो कुछ, ये ना सोचो आप, चिल्लाए तो है जो करेगा कुछ। क्योंकि यहाँ पे सब आदमी है, हर आदमी के हर आदमी लगे हुए हैं, तो कहेगा कुछ वो वोट किसी को करेगा, तो जिसकी जैसी समस्या होगी वो वैसा करेगा। तो क्या हम कह दिया जाए? जिसकी जैसी समस्या, आप हमका अच्छे लग रहे हो, मगर इनके मारे हम नहीं बोले पा रहे ना, मगर चुप्पे से आपका हम डार देवे, अब खत्म बात। ये सिस्टम है यार, यही हुई करी, का फायदा को बुराई भलाई लेने। और यार तुम इधर आओ, चलो गुलाब इधर आओ, क्या नाम है? अल्तमश। अल्तमश, कितने साल के हो? 17। तो तुम्हारा वोटर तो बना नहीं होगा? नहीं, अभी नहीं बना है? मेरा नहीं बना। बहुत ध्यान से सुन रहे थे यार तुम जी, क्या मजा आता है राजनीति में? नहीं मजा नहीं आता, देखते हैं। इंटरेस्ट है जी? क्या समझ में? हल्का हल्का है।
हल्के हल्के थोड़ा, ज्यादा नहीं है। तो अभी क्या करते हो, कौन सी क्लास में? अभी टेंथ हो गया है। टेंथ हो गया जी, अभी शूज की दुकान में बैठते हैं। शूज की दुकान में बैठते हैं। अच्छा जी, तो बड़े हो क्या बनोगे? बड़ोगे काम सीखेंगे अच्छा से। कोई कौन सा? गाड़ी काम सीखेंगे। गाड़ी काम जी। अभी 10 में पढ़ रहे हो तुम, आदमी कहता है हम बड़े होके डीएम बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तुम यार करो काम भी सीख लेंगे, अच्छा होएगा ना काम है? काम ये अच्छा है ना, गाड़ी का आता है क्या तुमको? नहीं आता नहीं है, सीखेंगे। कौन सी गाड़ी? चार पहिया का है। चार पहिया का तो क्या उसको बनाना सीखोगे जी? तो उसकी इंजीनियरिंग करोगे या फिर ऐसे सीखेंगे? सीखोगे जी। और नेता होता अच्छे लगते? नेता है हाँ सही है। कौन सा नेता अच्छा लगा? अखिलेश है। अखिलेश तो इतना दब के काय बोल रहे हो? अखिलेश तेज तो बोल रहे हैं। और मोदी जी? मोदी जी, मोदी प्रधानमंत्री अपने लिए सही है, मोदी जी भी अच्छा। तुम यार बहु मुस्कुरा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। क्या नाम? अभिषेक अवस्थी। अवस्थी जी क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस चीज़ की? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन? हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी विषय पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस से। और इतिहास इतिहास भी पढ़ते हैं? इतिहास है। हाँ पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, तैयारी। आपके यहाँ का फतेहपुर का इतिहास कुछ है पुराना? हाँ है, यही सभी बावन अवन इमली का है, ये सभी इमली पेड़ नहीं, बावन इमली ऐतिहासिक शहीद हुए थे, बावन खजुआ का बावनी इमली यहाँ पे बहुत फेमस एक पेड़ है, शहीद स्मारक है, आगे जा कर के थोड़ी दूरी पर है, और वहाँ पे अंग्रेजों ने गदर के दौरान 52 लोगों को पेड़ पे लटका दिया था। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो? यस सर। तो क्या है पॉलिटिक्स का साइंस इस बार? पॉलिटिकल साइंस ये कि जो 10 मार्च को पता चलेगा क्या? खुल के बोलो यार, 10 मार्च को, ये 10 मार्च को पता चलेगा ये। अरे यार लौंडा लपाड़ी, 10 मार्च को पता चलेगा क्या निकलता है, ऐसा तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं तो क्या तुमको क्या मुद्दे हैं, तुम्हारे क्या जरूरत है? हमारे यही है कि वो अब रोजगार को थोड़ा सा बढ़ाएं। और क्या लगता है कौन देगा रोजगार? अब ये तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा तो बीजेपी के लिए हैं। बीजेपी के लिए आप बताओ। अच्छा मैं ब्रजेन शुक्ला हूँ। हाँ। और हमने एक बार अपने, मेरे पिताजी भी जीवित हैं, 86 ईयर्स एज है उनकी। हाँ। तो हमने पूछा बाबू ये बताओ कि आपको ये कैसी सरकार लगी? तो उन्होंने कहा इनके पास बस बातें ही बातें हैं और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी जी के आह्वान पर मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो हम लोग समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, इसलिए कि कम से कम कोई तो हमारा नेता, वरना हमारा कोई नेतृत्व तो ही नहीं करने वाला है। ब्राह्मणों को यहाँ टिकट तक नहीं दिया जा रहा है। हमारी 11% आबादी है ब्राह्मणों की, 9% ठाकुरों की है, 6% जो है आपकी वैश्यों की है, और 2% कायस्थ हैं, लेकिन यहाँ टिकट नहीं आता। ब्राह्मण केवल वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब सोनिया जी के थोड़े वो कह देते हैं कि वो इटली की हैं, तो कम से कम ममता बनर्जी तो इंडिया की हैं, वो तो 24 कैरेट गोल्ड की जो है ब्राह्मण है। तो इसलिए हम लोग जो है ममता बनर्जी का जो आह्वान हुआ है उनका, मैडम का, हम लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे। ममता जी कहाँ बंगाल की? ममता जी कहाँ बंगाल की? बंगाल से क्या फर्क पड़ता है, इंडिया की तो है। हाँ। इंडिया की तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यूपी में उनकी अपील काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। आप देखेगा जब चुनाव आए, रिजल्ट आए 10 तारीख को, तब देखेगा। मतलब ब्राह्मण तो आमतौर पे माना जाता है कि बीजेपी का वोट नहीं। गलत बात, देखिए हम आप बहुत खुला बात करवाना चाहते हैं तो अलग बात है। नहीं नहीं एकदम खुल के देखिए, हमारे वो भैया नहीं रहे, शशभूषण अवस्थी थे, वो कहा करते थे कि बीजेपी ठाकुरों और बनियों की पार्टी है, ब्राह्मणों का स्थान केवल कांग्रेस में था, और वो राम मंदिर के बाद ब्राह्मण कुछ जो है बीजेपी से जुड़ा, लेकिन ब्राह्मण को कोई फायदा नहीं हुआ, ब्राह्मणों को बहुत उत्पीड़न हुआ। आप देखिए बीजेपी का इतिहास उठा करके कितना ब्राह्मणों को उत्पीड़न किया है। क्या उत्पीड़न हुआ? अब ये हम डिटेल में नहीं बताएंगे, आप जाए। अब आप खुल के बता रहे हैं? नहीं 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 मुझे नहीं। अरे आप इस्तेमाल किए जाते हैं? नहीं 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 मुझे वो नहीं बताना है, बस मुझे ये बताना है कि मुझे ममता बनर्जी जी के आह्वान पर हमें समाजवादी पार्टी का समर्थन करना है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो यार, नारा और मत लगा। अच्छा है कि आप चाय या कॉफी, मेरा स्टोर है। कहाँ है वो द्विवेदी जी, कहाँ है लंदन टावर वाले? वो भी वो निकले हुए हैं, वो चलो मिलेंगे। तो आओ जरा कॉफी पियो आके, बहुत देर ले। आप कॉफी वॉफी पीते रहेंगे, अभी थोड़ा सा देख ले। अच्छा, हाँ, ले ठीक है। ठीक है तो ये फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा,
और यहाँ हमने लोगों का मूड जाना। चलते हैं फिर आगे कहीं और किसी क्षेत्र में और वहाँ के वोटरों से समझेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश के असल मुद्दे क्या हैं और किसका जोर चल रहा है।